प्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज इस पहली वीडियो में हम आपको हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 संधि पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बच्चों, संधि किसे कहते हैं। तो बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। हिंदी व्याकरण में जब दो शब्दों को पास पास मिलने में वर्णों में कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भानु प्लस उदय, इसमें ना और उ ये वर्ण है, इनके मिलने से क्या बना? शब्द भानुदय। तो इस उदाहरण द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि संधि किसे कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं। तो बच्चों, संधि का अर्थ होता है मिलना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। तो इसमें हम आपको बताएंगे संधि विच्छेद कैसे करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसमें हम आपको बताएंगे विद्यालय को हमने कैसे विच्छेद किया है। तो विद्यालय में विद्या प्लस आलय, ये क्या हुआ? मिलकर विद्यालय। अब नंबर 2 में आप ऐसे देखिए नरेश, तो इसको कैसे अलग किया जाए? नर प्लस ईश, तो मिलकर क्या बना है? नरेश। तो आपको संधि विच्छेद इसमें समझ में आया होगा कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं। अब बच्चों, हम आपको बताएंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि।